पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को लगा बड़ा झटका। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में पंचायत चुनाव पर लगाई रोक। न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग से चुनाव प्रक्रिया पर सोमवार तक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा। भाजपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। पश्चिम बंगाल में 16 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनाव संबंधी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक सारी चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि आयोग को चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान हो रही हिंसा को रोकने के उपायों के संबंध में विस्तृत हलफनामा दायर करना चाहिए। इससे पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोलकाता हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। गौरतलब है कि भाजपा ने 6 मार्च को कोर्ट से कहा था कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, क्योंकि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस बड़े पैमाने पर चुनावी हिंसा में लिप्त है और आगामी पंचायत चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल नहीं करने दे रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने नामांकन पत्र ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की मांग की थी।